राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोविड का संक्रमण अभी भी है। तीसरी लहर के लिए नियंत्रण की पूरी तैयारी की हुई है। वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तीसरी लहर के लिए संस्थागत पूरी तैयारी की हुई है। हर अस्पताल में बिस्तरों की समुचित व्यवस्था है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेल्थ वर्कर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम को भी तेजी दी जा रही है। वहीं मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि उनका एक अधिकार है, वह जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे। दिलीप कुमार के निधन पर सारंग ने कहा कि दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा और अभिनय को नई ऊंचाइयां दी हैं। उन्होंने अभिनय के माध्यम से मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि सामाजिक चेतना जगाने का काम भी किया है। हमने थर्ड वेव की नियंत्रण की पूरी तैयारी की हुई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो, और यदि थर्ड वेव आती है तो हमने उसकी संस्थागत पूरी तरह से तैयारी की हुई है और ये सुनिश्चित किया है कि हर अस्पताल में बिस्तरों की समुचित मात्रा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हेल्थ वर्कर की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन बहुत तेजी से चल रहा है। ये पुरुष दिलीप कुमार जी हमारे बीच में अब नहीं है। निश्चित रूप से उन्होंने हिंदी सिनेमा को और अभिनय को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने अभिनय के माध्यम से केवल मनोरंजन ही नहीं किया बल्कि बहुत फिल्मों के माध्यम से सामाजिक चेतना जगाने का भी काम किया है।